हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई। दुर्ग कलेक्टर ने भी अस्पताल में बूस्टर लगवाया, वहीं निगम कार्यालय में वैक्सीन का बूस्टर आयुक्त ने लगवाया और पहला डोज कर्मियों का बढ़ाया उत्साह। साथ ही शहर विधायक ने SLRM सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बूस्टर डोज लगवाने की शुरुआत सोमवार से कर दी गई है, जिसमें दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, कोविड आइसोलेशन मेडिकल प्रभारी डॉक्टर रश्मि भूरे, डॉक्टर सुगम सावंत, CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर, दुर्ग CEO अश्विनी देवांगन ने भी टीकाकरण केंद्र पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवाया। वहीं दुर्ग नगर पालिका निगम में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीसरी लहर से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान सोमवार से शुरू किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि शासन के आदेशानुसार व जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का बूस्टर प्रकाशन केंद्र निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम कार्यालय में आयुक्त हरीश मंडावी ने SDM विनय पोयाम, कार्यपालन अभियंता NC जैन, स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान, सहायक अभियंता जितेंद्र समैया, प्रकाश अहिर, राजू बख्शी, लवकुश समेत अन्य कर्मियों के साथ वैक्सीन का बूस्टर प्रकाशन डोज लगवाकर निगम कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीसरी लहर से बचाव के लिए टीकाकरण महाभियान चलाया जा रहा है। 10 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, प्रेस एवं अन्य कर्मचारियों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ये डोज जिला स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका निगम वैक्सीनेशन सेंटर निर्धारित किया गया है। 18+45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और वैक्सीन की दूसरी डोज को 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे होने के बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इस मौके पर शहर विधायक कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा ने वैक्सीनेशन लगाए जा रही जगह पहुंचकर फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाया और कहा कि नया वेरिएंट शहर में तेजी से पांव पसार रहा है। हालांकि नया वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए लोगों को शहर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंटलाइन वर्कर, जिनको दोनों डोज लगे 9 माह बीत चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग ने निगम क्षेत्र के SLRM सेंटर एवं निगम कार्यालय में पहुंचकर वैक्सीन लगाने की अपील की है। जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सरकार ने लगातार कारगर कदम उठाए हैं। पिछले बार जब कोरोना हुआ था तब भी सरकार पूरी तरीके से सचेत और सतर्क रहकर लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया था और उस समय कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंजेक्शन लोगों को लगाए गए थे ताकि उनको यह संक्रमण से बचाया जा सके। उसके बाद अभी 15 से 18 साल के नौजवानों को कोवैक्सीन और कोवैक्सीन लगाया गया, जिसमें लगभग 60% का कार्य पूरा हो चुका है दुर्ग शहर में, और 18 से ऊपर वालों के एज की जो है उनमें लगभग 90% लोगों का हो चुका है। आज जो थर्ड डोज लग रही है बूस्टर, ये 9 माह के बाद बूस्टर लगाना अनिवार्य है। इसलिए राज्य की सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि सबसे पहले हम अपने फ्रंट लाइन के वर्कर और सफाई कर्मचारियों को यह बूस्टर डोज दिया जाए ताकि वे सुरक्षित रह सके, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना होता है, जन समुदाय में वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए ये कार्य आज पहला दिन है। उसके लिए उसी कड़ी में आज हम लोग नगर निगम के SLRM सेंटर में यहाँ पहुँचे हैं। ये 60+ वालों के लिए बहुत ही जल्दी ये डोज लगाया जाएगा बूस्टर का। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी व्यापक तैयारियाँ कर ली है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही यह कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।